राजस्थान की टीम को बैंगलोर से मिली करारी हार के बाद पॉइंट्स टेबल में हुए हैं बड़े उलटफेर। दोस्तों, कौन सी टीम कितने पॉइंट्स के साथ किस पोजीशन पर पहुंची है बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं आईपीएल के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आईपीएल 2021 के 43वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक तरफा अंदाज में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 149 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ये लक्ष्य महज 17.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बैंगलोर की जीत में ग्लेन मैक्सवेल ने 30 गेंदों पर नाबाद 50 रनों की पारी खेली। वहीं श्रीकर भरत ने 44 रनों की पारी खेली। इसके अलावा बैंगलोर के गेंदबाज हर्षल पटेल ने 3 और युजवेंद्र चहल, शहबाज अहमद ने 2-2 विकेट चटकाए हैं। बता दें कि बैंगलोर की इस जीत के बाद आईपीएल की अंक तालिका में बड़े उलटफेर हुए हैं। आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल में पहली 2 पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चेन्नई और दिल्ली के 16-16 अंक हैं। चेन्नई पहले और दिल्ली दूसरे स्थान पर हैं। वहीं बैंगलोर ने 11 मैचों में 7वीं जीत दर्ज की है और अपना नेट रन रेट भी सुधार लिया है। केकेआर से करारी हार के बाद बैंगलोर का नेट रन रेट काफी गिर गया था, लेकिन अब उसके 14 अंक हैं। बैंगलोर का नेट रन रेट अब -0.200 है। यही नहीं, इस जीत के बाद उसने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स से 4 अंकों की दूरी बना ली है। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो बैंगलोर से मिली करारी हार के बाद उसकी प्लेऑफ की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। राजस्थान के अब 11 मैचों में महज 8 अंक हैं। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 16 अंकों के साथ पहले नंबर पर है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 14 अंक हासिल कर लिए हैं और इसके साथ वो तीसरे स्थान पर है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स 10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। बात करें पांचवे स्थान की तो मुंबई इंडियंस 5वें स्थान पर है और मुंबई इंडियंस ने भी 10 अंक हासिल किए हैं। बात करें छठे स्थान की तो पंजाब किंग्स 8 अंकों के साथ छठे स्थान पर है। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम भी 7 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम महज 4 अंक हासिल कर पाई है और वो अंक तालिका में सबसे लास्ट में है। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल 2021 की पॉइंट टेबल की खबर। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।